हाल के दिनों में वोडाफोन आइडिया को लेकर कई बातें सामने आई हैं। दूरसंचार विभाग के सचिव नीरज मित्तल ने कहा कि सरकार वोडाफोन आइडिया में अपनी हिस्सेदारी कम करने का सही अवसर तलाश रही है। वहीं नगदी संकट से जूझ रही कंपनी के बोर्ड ने फंड जुटाने के लिए दी गई मंजूरी का भी स्वागत किया है। केंद्र सरकार 31% हिस्सेदारी के साथ भारत की तीसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया में शेयर धारक है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के बोर्ड ने इक्विटी और लोन के माध्यम से 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना को मंजूरी दी है। टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया कुल 45,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है। वर्तमान समय में वोडाफोन आइडिया पर करीब 2.1 trillion rupees से अधिक का कर्ज है। इसका अधिकांश हिस्सा पिछले वर्षों में स्पेक्ट्रम बिक्री से सरकार का बकाया है। 20 मार्च 2017 को वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर ने विलय का ऐलान किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन द्वारा जुलाई 2018 में मर्जर की अनुमति मिल गई और अंततः 30 अगस्त 2018 को दोनों कंपनियों के मर्जर की मंजूरी मिल गई। विलय 31 अगस्त 2018 को पूरा हुआ और इस तरह वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का गठन किया गया। इससे रेवेन्यू और ग्राहकों के मामले में सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी का निर्माण हुआ। मर्जर की शर्तों के अनुसार वोडाफोन समूह के पास संयुक्त इकाई में 45.2% हिस्सेदारी और आदित्य बिरला समूह के पास 26% हिस्सेदारी है। 2007 में वोडाफोन के नाम से पुनः ब्रांड किया गया। तब भारत का दूरसंचार उद्योग कई नाटकीय परिवर्तनों से गुजर रहा था। बड़े पैमानों पर ग्राहकों की वृद्धि, 3G के आने और नए नए टेलीकॉम कंपनियों के आने से ARPU यानी कि एवरेज रेवेन्यू पर यूजर में कमी आने लगी। उस समय टेलीकॉम उद्योग में प्रतिस्पर्धा बदसूरत सी हो गई। जियो की तूफानी एंट्री ने कीमतों में भारी कटौती के साथ झटके पैदा कर दिए। एक दशक से अधिक समय में वोडाफोन और आइडिया विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा में आ गई। एयरटेल को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन वो इससे लड़ने में कामयाब रहा। चीजें बेहतर होने के बजाय 2018 में वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेलुलर के विलय ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। जब रिलायंस जियो लॉन्च हुआ उस समय वोडाफोन के पास करीब 200 मिलियन और आइडिया के पास करीब 188 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे। विलय के बाद वोडाफोन आइडिया ने कई परेशानियों का सामना किया। रणनीतिक दिशा का अभाव था। नेटवर्क और मानव संसाधनों में वोडाफोन आइडिया तो कई इलाकों में 4G नेटवर्क को भी लॉन्च नहीं कर पाई। मजबूत कंपटीशन होने के कारण विलय हुई वोडाफोन आइडिया कभी आगे बढ़ ही नहीं सकी। नई तकनीक ने अधिक पूंजी की मांग की और सरकार को भुगतान का बोझ टेलीकॉम कंपनी पर पड़ा। अभी वोडाफोन आइडिया अस्तित्व के लिए एक लड़ाई लड़ रही है। एयरटेल और जियो का ARPU 208 रुपये और 181 रुपये है। वहीं वोडाफोन आइडिया का ARPU 145 रुपये है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने करीब 13 लाख ग्राहकों को खो दिए थे और इसका ग्राहक आधार अभी घटकर 22.3 करोड़ हो गया है। कर्ज से जूझ रही वोडाफोन आइडिया ने 45,000 करोड़ रुपये की पुनर्वृत्त योजना की घोषणा की है। इसका इस्तेमाल कंपनी 4G सर्विसेज का विस्तार और 5G सर्विसेज को लॉन्च करने में उपयोग करेगी। वोडाफोन आइडिया का रहना दूरसंचार क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण है, नहीं तो भारतीय दूरसंचार उद्योग में ड्यूपोली की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। वोडाफोन आइडिया के पास अभी लगभग 22 करोड़ ग्राहक हैं, जो इसे विफल होने के लिए बहुत बड़ा बनाता है। वोडाफोन की विफलता समग्र रूप से भारत के दूरसंचार क्षेत्र के लिए विनाशकारी बनाएगा, क्योंकि जियो और एयरटेल के पास इतने बड़े ग्राहक आधार को ऑब्जर्व करने की क्षमता नहीं है। इससे उनका बुनियादी ढांचा बाधित होगा और सेवा एवं गुणवत्ता मानक खराब होंगे। अगर सिर्फ जियो और एयरटेल रहती है तो डियोपोली के कारण टैरिफ में बढ़ोतरी हो सकती है। इसलिए भारतीय दूरसंचार उद्योग में वोडाफोन आइडिया का रहना काफी महत्वपूर्ण है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।